जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर किस्टेसन जो SIPRI के साथ निरस्त्रीकरण के साथ एक एसोसिएट सैनिटर है, आर्म्स कंट्रोल या शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार कार्यक्रम और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट निदेशक FAS ने अपने ट्वीट में ये दावा किया है कि हमारे भारत में आंध्र प्रदेश की भाईजाग में निर्मित नई सबमरीन या पनडुब्बी कवर, ये कवर को स्पेशली सबमरीन को डेवलप या विकसित करने या तैयार करने पर व्यवहार किया जाता है। तो ये फैसिलिटी सेंटर को लेकर FAS या फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि ये जो भाईजाग में नया सबमरीन कवर को डेवलप किया गया है, जिसके जरिए सबमरीन को डेवलप किया जाता है, ये न्यू कवर पिछले सबमरीन कवर की तुलना में 40 मीटर अधिक लंबी है। जी हाँ, और हमें पता है कि ज़्यादा लेंथ सबमरीन कवर होने के कारण हमारे देश के अंदर ज़्यादा लेंथ विशिष्ट सबमरीन को डेवलप फ्यूचर में किया जा सकता है। और सबमरीन लंबी होने के कारण सबमरीन के अंदर बहुत ही स्पेस मिल पाएगा और बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ साथ यहाँ पर हम ज़्यादा मिजाइल भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। मतलब ये सबमरीन कवर या ये घर के अंदर सबमरीन को बिल्ड या डेवलप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी संस्था FAS के अनुसार ये नए अधिक 40 मीटर लेंथ सबमरीन कवर में भारत की थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन को डेवलप किया जाएगा या है, जो सबमरीन को S4 की रूप में क्लासिफाइड किया गया है। और फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान रखें कि बड़ी बात। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लाटे डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहां पर बड़ी बात यह है कि ये थर्ड न्यूक्लियर पावर बेस्ड सबमरीन S4 क्लास सबमरीन के साथ साथ हमारे भारत के तरफ से ये S4 की सिस्टर, जी हाँ बहन, S4 स्टार सबमरीन को डेवलप किया जा रहा है, जो कि ये S4 क्लास सबमरीन से दोगुनी पावरफुल होगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी बात होता है। ये S4 स्टार सबमरीन जो ओरियन क्लास सबमरीन से बिलोंग करते हैं, ये सबमरीन में स्पेशल इंडियन नावल फोर्सेस डिजाइन के अनुसार 8 मिसाइल ट्यूब को इंडक्शन किया गया है, जो कि एनमी को टारगेट के लिए बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये मिसाइल ट्यूब से या सबमरीन मिसाइल ट्यूब से मिसाइल को फायर किया जाता है और एनमी को टारगेट किया जाता है। S4 स्टार सबमरीन से ओरियन क्लास S4 तुलना में करीब 15 या 20 मीटर अधिक लंबी होती है, जो 130 प्लस मीटर लेंथ में आएगा। मतलब ओरियन क्लास S4 सबमरीन में से S4 स्टार सबमरीन में 4 अधिक मिसाइल ट्यूब अधिक रहेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि INS अरिघाट भारत की दूसरी ओरियन क्लास की न्यूक्लियर पावर बेस्ड सबमरीन है, जो भारतीय नौसेना में आधिकारिक प्रेरण के लिए पिछले साल अपने सी ट्रायल समुद्री परीक्षण को पूरा कर लिया है और अभी भारतीय नाभाल फोर्सेस में पूरी तरीके से सेवा देने के लिए ये सबमरीन रेडी है। साथ साथ यहाँ पर हमारे शिप बिल्डर और हमारे नाभाल फोर्सेस के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये न्यू एडवांस S4 स्टार सबमरीन को 2024-25 के अंदर सेवा में लाने के लिए काम किया जा रहा है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर हमारे भारत के द्वारा ये S4 और S4 स्टार क्लास सबमरीन पूरा होने का मतलब ये होगा कि S5 क्लास सबमरीन पनडुब्बियों पर निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर चल रहा होगा। जी हाँ, मतलब हमारे भारत के तरफ से 2022-23 तक ये S5 क्लास की सबमरीन को डेवलप करना शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये S5 क्लास सबमरीन S4 स्टार सबमरीन के आकार से लगभग दोगुनी है और इसमें 13,000 टन की विस्थापन है। लेकिन S4 और S4 स्टार सबमरीन S5 की फास्ट वेरियंट है, जो पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने के बाद ये सबमरीन K5 SLPM सबमरीन लॉन्च बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होंगे। ये 5,000 किलोमीटर तक ये मिसाइलों टारगेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया है। तो जरूर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।